अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? चलो पता करते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है। सवाल, शोहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? ऑप्शन ए सदका देने से, ऑप्शन बी तहज्जुद पढ़ने से, ऑप्शन सी ज़्यादा प्यार करने से, ऑप्शन डी हुस्ने इखलाक से। सही जवाब है ऑप्शन डी हुस्ने इखलाक से। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था अब दोजख में है? ऑप्शन ए बिच्छू, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी अजदा, ऑप्शन डी कुत्ता। सही जवाब है ऑप्शन डी अजदा। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे? ऑप्शन ए नमाज का, ऑप्शन बी रोज़े का, ऑप्शन सी हज का, ऑप्शन डी ज़कात का। सही जवाब है ऑप्शन बी रोज़े का। सवाल, सबसे पहले खाना काबा का तवाफ़ किसने किया? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी जिन्नात ने, ऑप्शन सी फरिश्तों ने, ऑप्शन डी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। सही जवाब है ऑप्शन सी फरिश्तों ने। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हक मेहर में कितने ऊँट दिए? ऑप्शन ए 10 ऊँट, ऑप्शन बी 15 ऊँट, ऑप्शन सी 20 ऊँट, ऑप्शन डी 30 ऊँट। सही जवाब है ऑप्शन सी 20 ऊँट दिए। सवाल, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह किस पैगंबर का कलमा है? ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी तमाम पैगंबरों का। सही जवाब है ऑप्शन डी तमाम पैगंबरों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब पैदा हुए थे? ऑप्शन ए 1 हिजरी को, ऑप्शन बी 2 हिजरी को, ऑप्शन सी 3 हिजरी को, ऑप्शन डी 4 हिजरी को। सही जवाब है ऑप्शन सी 3 हिजरी को पैदा हुए। सवाल, कयामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? ऑप्शन ए 2 फरिश्तों ने, ऑप्शन बी 4 फरिश्तों ने, ऑप्शन सी 6 फरिश्तों ने, ऑप्शन डी 8 फरिश्तों ने। सही जवाब है ऑप्शन डी 8 फरिश्तों ने। सवाल, क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? ऑप्शन ए ज़्यादा खाने से, ऑप्शन बी ज़्यादा पीने से, ऑप्शन सी ज़्यादा हंसने से, ऑप्शन डी ज़्यादा रोने से। सही जवाब है ऑप्शन सी ज़्यादा हंसने से। सवाल, किसके बुलाने पर आप नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए माँ के, ऑप्शन बी बीवी के, ऑप्शन सी बहन के, ऑप्शन डी भाई के। सही जवाब है ऑप्शन ए माँ के। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के कितने साल मक्का मुकरमा में गुजारे? ऑप्शन ए 40 साल, ऑप्शन बी 45 साल, ऑप्शन सी 50 साल, ऑप्शन डी 53 साल। सही जवाब है ऑप्शन डी 53 साल। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनके बाल सबसे ज़्यादा सफ़ेद होते थे? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम किस सूरह मुबारका में ज़्यादा मरतबा आया? ऑप्शन ए सूरह बकरा में, ऑप्शन बी सूरह कहफ में, ऑप्शन सी सूरह इब्राहिम में, ऑप्शन डी सूरह मुआइदा में। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह बकरा में।
सवाल, रोटी के कितने टुकड़े करके खाने से बीमारी से बचा जा सकता है? ऑप्शन ए 2 टुकड़े, ऑप्शन बी 4 टुकड़े, ऑप्शन सी 6 टुकड़े, ऑप्शन डी 8 टुकड़े। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 टुकड़े। सवाल, गइबत करने वाला कयामत के दिन किस शक्ल में उठेगा? ऑप्शन ए कुत्ते की, ऑप्शन बी गधे की, ऑप्शन सी सूर की, ऑप्शन डी बंदर की। सही जवाब है ऑप्शन ए कुत्ते की शक्ल में। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई थी? ऑप्शन ए 100 साल, ऑप्शन बी 115 साल, ऑप्शन सी 125 साल, ऑप्शन डी 130 साल। सही जवाब है ऑप्शन सी 125 साल। सवाल, सबसे पहले इल्मे नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान मजीद की सूरह इनाम का मतलब क्या है? ऑप्शन ए बागात, ऑप्शन बी खुशखबरी, ऑप्शन सी मवेशी, ऑप्शन डी दस्तरख्वा। सही जवाब है ऑप्शन सी मवेशी। सवाल, किस काफिर बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी? ऑप्शन ए फिरौन ने, ऑप्शन बी नमरूद ने, ऑप्शन सी शद्दाद ने, ऑप्शन डी कारून ने। सही जवाब है ऑप्शन बी नमरूद ने। सवाल, कौन सा गुनाह करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? ऑप्शन ए नशा, ऑप्शन बी जिना, ऑप्शन सी गइबत, ऑप्शन डी हसद। सही जवाब है ऑप्शन बी जिना करने से। सवाल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत हक की तबलीग सबसे पहले किसको दी? ऑप्शन ए अपने वालिद को, ऑप्शन बी अपने बेटे को, ऑप्शन सी अपने बादशाह को, ऑप्शन डी अपनी कौम को। सही जवाब है ऑप्शन ए अपने वालिद को। सवाल, क्या रमज़ान में रोज़े की हालत में बीवी के साथ सोना जायज़ है? ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी हराम है, ऑप्शन डी रोज़ा टूट जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। सवाल, रमज़ान के आखिरी 10 दिन मुसलसल कौन सी नमाज पढ़ने से शब्बे कदर नसीब होती है? ऑप्शन ए नमाज इशराक, ऑप्शन बी नमाज कदर, ऑप्शन सी नमाज तहज्जुद, ऑप्शन डी नमाज तरावी। सही जवाब है ऑप्शन सी नमाज तहज्जुद। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुख्तियार डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।